काम करो, तुम और एक शादी कर लो, उसमें तुम्हारा फायदा है, और एक बीवी आ जाएगा, उसको तुम घूमने के लिए निकलो उसके साथ। ना आपका एक मतलब मन रहता है कि हाँ मैं वो प्लान में चलूंगा, मेरा दिन भर का शेड्यूल यही रहेगा, और अचानक वो प्लान अगर चेंज हो जाता है तो किसी भी चीज़ पे आपका मन नहीं बैठने वाला। मतलब आप जितना भी बैठने का कोशिश करवाओ उस चीज़ पे, वो बैठने नहीं वाला। सो व्लॉग शुरू होने से पहले ही मैंने प्लान का बात किया इसीलिए क्योंकि कल रात को मैंने और प्यू ने प्लान किया था कि आज हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, और पूरा प्लान पूरा रेडी था, पूरा शेड्यूल फिक्स था, लेकिन सुबह सुबह उठ के वो प्लान में पानी डाल दिया। अभी पानी डाल दिया, पूरा बारिश ही हो गया, छोटा एक बोतल पानी नहीं, पूरा कटोर मतलब पूरा बाल्टी भर के पानी डाल दिया प्लान में। और क्या बोल सकते हैं अभी, अभी बारिश के ऊपर तो कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। सो अभी हम लोग वेट करेंगे, दोपहर तक हम लोग वेट करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर देंगे प्लान, दूसरा कुछ हम लोग सोच लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं आज, कहीं ना कहीं तो जाने वाले हैं। जब मैंने सोच लिया कि आज घूमने जाएंगे तो घूमने जाएंगे, सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ बारिश का। एज पर वेदर फोकस 1 बजे के बाद बारिश रुकने वाला है, लेकिन देखते हैं 1 बजे के बाद हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सो उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। सो कल मैं जैसे 12 घंटे का मैं चैलेंज लिया था फ़ोन नहीं यूज़ करने का, सो वो चैलेंज मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल बना। आज मेरा फ़ोन सुबह से लेके यहाँ पे पड़ा है, मैं एक बार भी छू के नहीं देगा, सिर्फ सुबह उठ के एक बार चेक किया ऑफिस का कुछ मैसेज वगैरह है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। मतलब इतना डिटॉक्स हो चुका है 12 घंटा फ़ोन नहीं यूज़ करने का, उसका फ़ायदा मेरे को अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मतलब हाँ, मैंने कल वो चैलेंज लेके बहुत ही अच्छा काम किया। अभी थोड़ा सा मेरा माइंड भी फ्रेश लग रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा सा माइंड ना क्रिएटिव तरीके का सोच रहा है, मतलब थोड़ा अनोखा सोच रहा है, जो मेरा व्लॉग में भी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब ये लगेगा, वीडियो में थोड़ा थोड़ा वो क्रिएटिव चीज़ आएगा थोड़ा। फिलहाल के लिए जब तक हम लोग बाहर घूमने के लिए नहीं जाते, घर का थोड़ा बहुत काम है जो काम हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट 2 महीना हो गया उसको मैंने क्लीन नहीं किया, मतलब ये बार कि बहुत दिन तक चला, मतलब इतना अच्छा जो खाने का जो सामान उन लोगों का लेके आया था मैं, वो दुकान से ही बोल दिया था कि इसमें पानी भी कम गंदा होता है और मच्छी पूरा अच्छे से खाएगा, दाना पूरा अच्छे से खाएगा और छोटा छोटा होता है, तो ये लोग पूरा मतलब मज़े से खाता है इसको, और गंदा भी कम होता है पानी। मैं देख रहा हूँ कि उसका पंप भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, पंप ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब पानी में मैल जम गया करके इसलिए पंप ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए अभी उसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। और इसका ये टैप का भी प्रॉब्लम हो चुका है, पानी कंटिन्यू टप 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 करके गिरता है। अभी इसमें पानी मैंने ले लिया है क्योंकि एक्वेरियम से अभी सब मच्छी को उठाना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा और इसको पूरा उठा के पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और ये एक अलग ही हेडेक हो जाता है पूरा क्लीन करना। सो मैं पहले करंट वगैरह ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि करंट नहीं ऑफ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा कनेक्शन ऑफ, अभी इस वाले पोर्शन को मेरे को पूरा खोलना पड़ेगा, पहले मैं इस वाले पोर्शन को पहले खोल लेता हूँ क्योंकि एक हाथ से तो होने वाला नहीं है, सो इसीलिए कैमरा को रखता हूँ, इसको पहले खोल लेता हूँ, और जैसे ही मैं एक एक करके मच्छी को उठाना शुरू करूँगा आप लोगों को वीडियो करके दिखाता हूँ। मेरे को ऑफ करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 को निकलने के लिए बहुत ही ध्यान से मेरे को निकलना पड़ेगा। सो कैमरा मैं ऑफ करता हूँ और अभी सबको मैं अलग अलग करता हूँ, तो जैसे ही मैं धोता रहूँगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियो करके दिखा दें, या तो लास्ट में मैं वीडियो करके दिखाऊँगा कि कैसा लग रहा है। सो मेरा चैलेंज वाला ब्लॉग का एडिटिंग यहाँ पे चालू है, और एक्वेरियम क्लीन का ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है मैंने, यहाँ का जो पानी था वो क्लीन कर दिया है, वाइट वाला पत्थर जो था इसको भी क्लीन कर दिया है, छोटा छोटा जो कलरिंग पत्थर था इसको भी क्लीन कर दिया, और पेड़ पौधा सब यहाँ पे रख दिया, मच्छी को यहाँ पे रख दिया, और अभी वहाँ पे टॉप अप हो रहा है पानी, एक बाल्टी में आधा बाल्टी पानी टॉप अप होगा, उसको लेके आऊँगा, थोड़ा थोड़ा करके पहले डालूँगा पानी, एक्वेरियम में पूरा पानी फुल हो जाएगा इसमें जैसे पानी में डाल रहा हूँ, सो एक्वेरियम में पूरा पानी जैसे फुल हो जाएगा उसके बाद उसको मैं डेकोरेशन करूँगा, पहले की तरह नहीं थोड़ा सा अलग करूँगा इस बार, क्योंकि हर बार जब मैं पानी क्लीन करता हूँ तो थोड़ा अलग अलग तरीके का डेकोरेशन करता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको भी मैं फिक्स रखता हूँ। तो मेरा एक्वेरियम क्लीन करना हो गया है कम्प्लीट, जो अभी पूरा अच्छे तरीके से चमक रहा है, ये देखो
पूरा क्लीन कर लिया मैंने एक्वेरियम को, अच्छे से एकदम क्लीन कर लिया, पूरा गंदा हो गया था उसको पूरा क्लीन किया। और ये जो पत्थर था पहले, ये जो पेड़ है यहाँ पे प्लास्टिक का, इसका कलर के हिसाब से मैं चारों तरफ रखता था, लेकिन अभी ऐसा डिज़ाइन कर दिया इसका, थोड़ा सा अलग तरीके का, थोड़ा सा यूनिक तरीके का मैंने डिज़ाइन किया। एक्चुअली हम लोग अपना घर को थोड़ा सा हर रोज़ चाहते हैं कि अलग तरीके का डिज़ाइन करके, अलग तरीके से धो के साफ करके डिज़ाइन करके रखे, तो इन लोगों का घर को क्यों हम लोग ऐसे ही एक ही तरीके के रखे। तो इन लोगों का घर को भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा यूनिक तरीके का, थोड़ा सा रंग बिरंगीन, थोड़ा सा डिज़ाइन करके रखे, तो इसलिए मैं इस बार थोड़ा अलग तरीके से रखा और नेक्स्ट बार थोड़ा अलग तरीके से रखूँगा। सो कोशिश करूँगा कि हर बार थोड़ा सा अलग अलग करने का। 82% ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पे ब्लॉग एडिट मेरा। सो अभी जैसे ही ये 100% कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा। सो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बारिश गया है रुक। सो अभी हम लोग निकल सकते हैं बाहर घूमने के लिए। सो मैं अभी फटाफट जाके नहा लेता हूँ, क्यों भी नहा लेगा। ऑलमोस्ट हम लोगों का दोपहर का लंच का सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है कम्प्लीट। नहा के सिर्फ पूजा देना और खाना, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। मेरा घर का पूजा देना हो गया है कंप्लीट, उसके साथ साथ मेरा ब्लॉग एडिट हो गया है कंप्लीट, जो कि अभी पब्लिश के लिए रेडी हो चुका है, 100% हो गया है यहाँ पे। और अभी इसको थोड़ी देर बाद में शाम तक इसको अपलोड कर दूंगा, ताकि शाम में आप लोग इसको देख पाओ, अच्छे से मज़ा कर पाओ। और उसके साथ साथ मेरा अभी लंच का भी हो गया प्रिपरेशन कंप्लीट। यहाँ पे मेरा राइस रेडी होके पड़ा है, सिर्फ अभी चिकन को गर्म करना है, जो कि मेरा फ्रिज में है। तो अभी कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, उसके बाद चिकन को उस पर डाल देंगे। इतना सा चिकन बचा है, राइस यहाँ पे हो गया है। सो जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं और पीयू खाने के लिए बैठ जाएंगे। सो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग जाए वंडू के लिए। पीयू को बोला, पीयू बोला हम लोग घर में थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड नहीं कर पाते, तो आज चलते हैं घर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को निकलते हैं, आसपास में कहीं घूम के आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो वो भी ठीक है प्लान, लेकिन देखते अगर मूड बनता है तो हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, अगर वैसा अगर पीयू का हिसाब से चलते हैं तो वैसा चलेंगे। लोग सुबह सुबह उठ के क्या देखता है कि न्यूज़ देखता है कि दिन भर बाहर में क्या हो रहा है, या तो कुछ एंटरटेनमेंट वाला चीज़ देखते हैं कि माइंड खुश हो जाए। मेरा बीवी को देखो, दिन भर से सुबह से लेके अभी तक बिग बॉस कंटिन्यू, वो बिग बॉस देख रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं चलता कि बिग बॉस में एक्चुअली क्या होता है, क्या दिखा रहा है। मैं उस दिन एक बार उससे कंसेप्ट जानने का कोशिश किया कि क्या होता है, फिर जितना जाना कि भाई मेरा दिमाग में उतना नहीं आएगा, मैं देखना ही नहीं चाहता उसको, एकदम भी देखना नहीं चाहता। वो थोड़ा बहुत आ जाता है स्क्रॉल करने के टाइम, 2 सेकंड सिर्फ ऐसा ऐसा देखा, झगड़ा शुरू हुआ। वो अब नहीं चाहिए भाई, मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ, मेरे को वो शांति से रहना ही पसंद है, वो झगड़ा झमेला मेरे को नहीं चाहिए। और मसाला पापड़ देके खुद तो रोक नहीं पाया मैं, कभी भी पापड़ फ्राई करता हूँ, नॉर्मल में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मसाला पापड़ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो मतलब एक तो मैं सिर्फ नॉर्मल खा लूँगा और बाकी तो डिश के साथ खाऊँगा, बाकी नॉर्मल तो एक मेरे को चाहिए। अभी मुँह में पानी आ रहा है, रोक नहीं सकता, पहले खा लेते हैं। जिन जिनको पसंद है कमेंट में बताऊँ। वैसे तो हम लोग टेबल चेयर छोड़ के हम लोग बैठते नहीं है खाने के लिए, लेकिन आज पीयू का मूड हुआ, बेसिकली पीयू बोला आज कि चलो एक दिन बैठते हैं ऐसे जैसे पहले हम लोग बैठते थे यहाँ पे खाने के लिए नीचे। तो वैसे आज थोड़ा बैठते बैठ के खाते ही पुराना वाइब्स एक लगता है, सभी बोला ठीक है चलो बैठते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कभी कभार खुद का पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर खुद का पास्ट आप भूल गए तो कभी फ्यूचर की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए हमेशा कभी कभार खुद का पास्ट को भी याद रखना चाहिए। तो सुबह से हम लोगों का प्लान था कि आज बाहर जाएंगे घूमने के लिए, कल रात को भी हम लोगों का प्लान था बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन आज दोपहर को हम लोगों का लंच करने के बाद वेदर भी ठीक हो गया। एक चीज़ है कि वेदर भी ठीक हो गया, बारिश भी रुक गया, लेकिन पीयू बोला कि चलो एक काम करते, इतना देर तक हम लोग जब घर पे ही वेट कर गए, आज का दिन पूरा घर में ही रहते टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम दोनों घर में नहीं रहते, हम दोनों का एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं हो पाता, तो इसलिए हम दोनों घर में रुक जाते, आज कहीं घूमने नहीं जाते, नॉर्मली टाइम स्पेंड करते, कुछ मूवी देखते हैं। तो अभी नेटफ्लिक्स बोलता था अमेजन प्राइम सर्च कर रहा था, उसमें नया कुछ सीरीज़ लगा है, सीरीज़ बोलता हूँ नया कुछ मूवी लगा है, दी ब्लैक फोन करके। सो अभी मैं बाहर जाऊँगा, कुछ पकौड़ा, कुछ स्नैक्स वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह लेके आ जाऊँगा। रात को हम लोग पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, सो पिज़्ज़ा बेस लेके आ जाऊँगा, घर में बनाऊँगा मैं, तो सब कुछ लेके आ जाता हूँ, घर में बैठ के ही एंजॉय करेंगे। हम लोगों के बीच भी एक छोटा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है, मतलब नहीं तो गैप बढ़ जाता है। सो ज़रूरी होता है कुछ कुछ चीज़, दोनों को टाइम देना, दोनों को समझना ज़रूरी है, ये सब कुछ।
एक चीज़ मैं थैंकफुल होना चाहूँगा कि आज सुबह से बारिश हुआ करके हम मेरे को इतना अच्छा टाइम मिल गया, बेसिकली हम दोनों को इतना अच्छा टाइम मिल गया कि हम दोनों आज घर में बैठ के आराम से हम लोग टाइम स्पेंड कर पाए, मतलब जो हम लोगों का पॉसिबल ही नहीं था। अगर सुबह से अगर करंट बोलता हूँ, सुबह से अगर बारिश नहीं होता, धूप रहता, तो हम लोग उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, हम लोग घूमने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते और उतना अच्छे से टाइम नहीं हो पाता। मैं जैसे ही बोलता घूमने के लिए निकलना है, नहीं घूमने नहीं निकलना, घर में ही रहना, तुम एक काम करो, तुम और एक शादी कर लो, उसमें तुम्हारा फ़ायदा है, और एक बीवी आ जाएगा, उसको तुम घूमने के लिए निकलो उसके साथ और मेरे साथ तुम क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, इसका यही बातचीत है जब घूमने के लिए निकलने बोलता हूँ। सुनो, ऐसा बीवी किसको चाहिए, बोलो। सो आज जैसे ही बीवी ने मांग किया कि घर में रहेगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, मैं बाहर गया, फटाफट गया और कुछ खाने का, मंचिंग्स का, रात का डिनर का सारा सामान मैं लेकर के लिए मैंने ये वाला लिया, एक पिज़्ज़ा बेस, उसके साथ ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, तो ये सब ले लिया मैंने। अभी उसका रिएक्शन देखो सर, देखा कितना खुश, देखो वो वाला एक ही था इसलिए ये लेके आया। ये भी सेम ही है, एक ही बार खान। ये वाला ठीक है, और एक ला के दूंगा वो वाला, देखा कितना खुश। भी खाने नहीं देने से भी चलेगा, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम उसको चाहिए। मैं जैसा भी, जब भी मेरे को सैलरी मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, मैं फटाफट जाता हूँ उसके लिए चॉकलेट और मतलब आइसक्रीम वगैरह लेके आ जाता हूँ। कल आइसक्रीम लेके आया था, कल ही एक्चुअली चॉकलेट लेके आया था, लेकिन कल क्या हुआ, टाइम हो गया करके और लेके नहीं आ पाया, मतलब लेट हो गया था, फिर घर में आके खाना पकाना था, इसीलिए मैं आ गया। सो उसको प्रॉमिस किया था कि आज तुमको ला के दूंगा, कल ही क्लीन किया, चलो है जितना चीज़ है हो जाएगा। मोज़रेला चीज़ है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए मोज़रेला चीज़, वो घिस के देना होता है, घिस घिस के उसको देना होता है, तो जितना है हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। ये रहा बेसिकली हम लोगों का मंचिंग्स का तैयारी, पकोड़ा वगैरह मैं लेके आया बाज़ार से, आज एक्चुअली बारिश हुआ तो बारिश में थोड़ा सा ठंडा ठंडा वेदर, और ठंडा में थोड़ा सा झाल वाला थोड़ा सा स्नैक्स, मतलब पकोड़ा, ये हम लोग जानते कोलकाता वाले, बहुत अच्छा लगता है, उतना भी तीखा नहीं है, लेकिन पकोड़ा मतलब बारिश मतलब पकोड़ा। कि मैं गलती से किया कि कैसे किया मेरे को पता नहीं, मैंने क्या किया कि चीज़ जो था वो चीज़ को मैं बाहर पे रख दिया। अभी पिज़्ज़ा का टॉपिंग किया, सब कुछ मैंने यहाँ पे किया, करने के बाद जैसे ही वो पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ है उसको थोड़ा सा इससे स्लाइस करके देना होता है, थोड़ा सा घिस के देना होता है, उसके बाद मैं टॉपिंग करूँगा, तो वो टाइम में जाके देखता है वो पूरा एकदम मतलब क्या कॉटन के जैसा पूरा एकदम नरम हो गया है, पूरा एकदम मतलब वो ऐसे ये हो रहा है, बोला भाई रे ये तो हो गया ख़त्म, अभी इसको फिर से फ्रिज में डालना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट होगा उसके बाद ही इसको घिस सकता हूँ, उससे पहले तो ये नहीं होने वाला। तो फिर से मैंने उसको फ्रिज पर डाला, अभी कितना देर तक वो थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे ही वो हार्ड होगा उसको निकाल के फिर से मैं बना सकता, ट्राई करते हैं मेरा लेवल बेस्ट कितना मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जब ठान लेता हूँ, जब तक उसका बेस्ट नहीं बनता तब तक उसको बनाता ही रहता हूँ, जिस दिन उसका बेस्ट बन जाएगा उसके बाद हाँ ठीक है, वो प्रोसेस अभी मेरा माइंड में रहेगा, उसी हिसाब से ही मैं बनाऊंगा, लेकिन जब तक बेस्ट नहीं बनेगा तब तक मैं उसको ट्राई करता रहूंगा। सो आज पिज़्ज़ा देख के लग रहा है कि हाँ पिज़्ज़ा की तरह बना है, थोड़ा सा अलग तरीके का बना है, लेकिन इतना दिन से जब मैं बना रहा था पिज़्ज़ा उतना खास तो बना नहीं था, और मतलब उसका टेक्स्चर ही उतना अच्छा नहीं आया था, टेस्ट थोड़ा बहुत आ रहा था लेकिन टेक्स्चर भी उतना अच्छा नहीं आ रहा था, आज थोड़ा सा टेक्स्चर अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने चीज़ बहुत ही कम यूज़ किया जो पीयू को एकदम पसंद नहीं। नेक्स्ट बार इसका बाद वाला जब मैं बनाऊंगा तो उसमें चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब पूरा सफ़ेद जैसा होता है एक पिज़्ज़ा का, पूरा वाइट हो जाता है वैसा वाइट बना के ही बनाऊंगा पिज़्ज़ा। अपना एंजॉय कर रहा हूँ, ब्लॉग का ख़त्म करने का टाइम आ गया है, सो ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ तक अगर अच्छा लगता है ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले का।